की बात हो और ब्रज का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में ब्रज की होली सबसे ज्यादा मशहूर है। होली के एक महीने पहले से ही ब्रज का कड़कड़ होली के रंग में झूम उठता है। कुछ ऐसा ही नजारा रंग भरी एकादशी को पूरे ब्रज में देखने को मिला, जहां सोमवार को रंग भरी एकादशी के अवसर में ब्रज में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। भक्त आस्था के रंग में डूबे हुए नजर आए। मथुरा के वृंदावन में बांकी बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी के अवसर पर होली का जश्न शुरू हो गया है। ब्रज में रंग भरी एकादशी के अवसर पर वहां का आलम तो कुछ और ही होता है। रंग भरी एकादशी पर श्री बांकी बिहारी के लिए शुद्ध केसर का रंग बनाया जाता है। सबसे पहले ठाकुर जी को रंग लगाया जाता है। इसके बाद होली का परंपरागत शुभारंभ हो जाता है। मंदिर में टेसू के रंगों के साथ साथ चोवा, चंदन के अलावा अबीर गुलाल से होली खेली जा रही है। सोमवार को समूचे ब्रज मंडल में रंग भरनी एकादशी का महापर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये जो समय है, इस समय जो दृश्य है, उस जैसा दृश्य पूरे विश्व में मेरे को कहीं नहीं देखने को मिल सकता, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। आप जैसे भी देख सकते हैं, इस समय हर एक वक्त द्वारकाधीश जी के मन में, अपने मन में बिठा के बैठा हुआ है और सब उस होली के रंग में ऐसे सरोवर हुए हुए हैं जैसे कि हमें, आप हमें देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं। रंग भरी एकादशी के अवसर पर सभी मंदिरों में जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया, तो वहीं टेसू के फूलों के रंग से भरी पिचकारी से निकले ठाकुर जी के प्रसाद रूपी रंग में सराबोर होकर भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन होकर झूमते और नाचते हुए दिखाई दिए। इस दौरान स्थानीय सहित दूर दराज से आए हुए भक्तों के साथ विदेशी श्रद्धालुओं ने मंदिर में उड़ रहे गुलाल से खुद को सराबोर कर ठाकुर जी की भक्ति में लीन होकर खूब नाचे और होली का आनंद लिया। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली का उल्लास अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। जैसे जैसे धूल का पर्व नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे ही यहां पर ब्रजवासियों में, यहां आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं में होली का उल्लास अपने चरम पर पहुंचने लगा है। आज रंगभरनी एकादशी के पावन अवसर पर पश्चिम मार्गीय संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज के मंदिर पर प्रांगण में गुलाल के बादल उड़ रहे हैं, इसीलिए कहा भी जाता है कि उड़त गुलाल लाल भय बदरा। आज इतना गुलाल उड़ता है यहाँ पर जिससे कि आसमान के बादलों का रंग भी लाल हो जाता है, ऐसी कहावत प्रचलित है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से विहंगम दृश्य ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के साथ में द्वारकाधीश मंदिर के इस प्रांगण में बना हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालु भक्ति में ओतप्रोत होकर ठाकुर जी की आराधना करते हुए उनके प्रसाद रूपी उड़ाए गए गुलाल में स्वयं को सराबोर कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, होली के इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि सब जग होरी और या ब्रज होरा। सुपर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ होली का। बिहार में भी इस तरह की होलियाँ होती है? होती है, पर मंदिर में इस तरह की नहीं होती है। मतलब ग्रुप होता है, प्रोग्राम होता है, उस तरह से होली होती है, पर यहाँ तो मंदिर में माइंड ब्लोइंग। बांके बिहारी मंदिर में होली एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक खेली जाती है। ब्रज में करीब 40 दिनों तक होली खेली जाती है। इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। बसंत पंचमी को बांके बिहारी मंदिर में गुलाल उड़ाने के साथ ही ब्रज में होली का आगाज हो जाता है। इसके बाद रंग भरी एकादशी पर भगवान भक्तों के साथ होली खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।